अच्छा भैया, हम गायक कलाकार प्रमोद लाल यादव बनारस के धरती से आप सब भैया लोगन के हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहल बानी और एक बिरहा का प्रस्तुति हमरे ओर से आप लोगन के बीच में जात बा एलकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नौगढ़ के धरती से। विशेष आभार बड़े भैया पंकज जायसवाल जी के देख रेख में, और इस गीत को आप लोग सुनिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पंकज म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ लोग देवी माई के, चाहे कुवार का नवरात्र हो चाहे चैत का नवरात्र हो, हर नवरात्र में देवी माई का बड़ा प्यार से लोग आवाहन करेलन, पूजा करेलन, अर्चना करेलन। एक कहानी हम आप लोगन के सुनाई, नवरात्र क्यों मनाया गया, आप लोग जरा कहानी पर ध्यान दियन। आवा रुक जाती थी काली घटा घेर कर, अरे गुलशन सिसकता झुकता थकानन, मेघ भी छाव करता था ढग कर दिवा कर, कामी कमल कुंज कुचला थरावन, तो बाजू के बल का रहा बोल बाला, अरे भय से भय भी तैंद्री भी छोड़े सिंहासन, एक दिन मंदोदर गले बाह डाला, मेरी बाहों की पूजा कर बोला दसानन। भैया हो, रावण का नाम आप लोग सुन ले हुई हैं, टेलीविजन पर देखले भी हुई हैं। रावण का इतना बड़ा तपाक जलत रहल, तीनों लोग चौदह भुवन में खाली रावण का नाम अगर कोई सुन ले तो बड़े से बड़ा योद्धा भी पीछे हट जात रहलन। यहां तक देवताओं के राजा इंद्र भी परास्त हो चुकल रहलन। एक दिन का बात, रावण बड़ा उमंग में बा, बड़ा खुशी में बा, कौन ची के अपने वीरताई के ऊपर सोचलस कि तीनों लोग चौदह भुवन में हमारे जैसन कोई वीर योद्धा हो नहीं। गयल जाय के अपने पत्नी मंदोदरी के पास, दोनों बाह ओकरे कंधा पे रख करके कहा बोला, कंधे पर हाथ रख करके रावण बोला, मंदोदर
सुनो प्रिय मंदोदर, ये जो तेरे कंधे पे मैं अपना दोनों बांह को रखा हूं, ई बांह के हल्का मत समझिया, एकर तू पूजा करा। मंदोदरी कलश की काहे बदे पूजा करी, कलश के सुना काहे बदे पूजा करे के कहत है, कहना हो का? गीत का लाइन बहुत बढ़िया हो अनिल भैया, गीत कवन हो? कि बसी एक अजी बसी एक, अरे यार दुनिया है, बसी एक अरे यार दुनिया है, इसी संसार के नीचे बसी एक, लेकिन भाव में लिखल गई गुड्डू भैया, रावण एकदम मगरूर है, एकदम अपने घमंड में चूर है, कहत का हो कि छाई, अरे छाई, अरे नाम की सोहरत जो तीनों लोक में गूंजा, सुर नर मुनियों ने पूजा, क्या बात है, तो जोश में होश खो के रावण मगरूर हुआ, जोश में होश खो के रावण मगरूर हुआ, रोसिया जोश सत्रेता में चकना चूर हुआ, प्रसन्न हो नारी से बोला है आसियाने में, मेरे संबाहु बलि कोई ना जमाने में, अग्नि वरुड़ मोर धरल दिया नवा हो, पवन भी सुबह समझार लयनवा हो, ग्रहों में शनि धनिया बादा हूं बखरिया में, काल को बाधा खाट अपने निज ओसरिया में, सुर नर मुनि लोग मानल कहनवा हो, गर्जना सुन के सागर धोवल चरनवा हो, मगरूर हुआ, रोष या जोश सब त्रेता में चकनाचूर हुआ, रावण एकदम अपने भुजबल के
अपने बिरताई के घमंड में हो करके रानी मंदोदरी से कहलन, सुना ऐसन तैसन आदमी ना है, अरे हमारे जैसन बाहुबली धरती पे का तीनों लोग पूरे ब्रह्मांड में कोई ना हो। आगी पानी हवा चाहे ग्रह में शनि, शनि के तो हम अपने बखरिया में बांध के कैद कैले है। सुर नर मुनि सब लोग हमार कहना मानलन, अगर गर्जना कह दे ही, अगर गर्जना हम कह दे ही तो उगे के सूर्य के पूरब की ओर से तो पश्चिम से भी उग सकलन, ई हमार तपाक हो। करो बाहों की पूजा हर्षित मन लाई हो, दसों दिशाओं में फैली मेरी बिरताई हो। मंदोदरी कलश की सुना सुना, ढेर बढ़ बढ़ के मत बोला, एगो हमार बात सुन ला, तर्ज लगत बात। ऐसे संपूर्ण भैया झलक लेला, तर्जु है बाकी पयलिया, अरे पयलिया पयलिया, अरे छन कल रात को ठे पे, लेकिन यार मंदोदरी कलश रावण से कि सुना पति देव हुआ, तो एक ठे बात सुन ला, बाह का पूजा न करब, एक ठे बात सुना, अरे बचानिया, अरे बचानिया बोलल बरानी पियावा से, तोहार ज्ञान का चक्षु बंद हो गया है। एक ठे बात सुना, कल की अपने से सैया करो ना बड़ाई, काय अपने मुहे अपने बड़ कई बतियावत हुआ, हमार बात सुना, अपने से सैया करो ना बड़ाई, अरे पुलस्तरी सिका दीपक करो ना डिठाई, बचनिया अरे बोलल बरानी पियावा से, कला अपने मुहे अपने बड़कई बतियाइबा, पुलस्त ऋषि रावण के दादा का नाम रहे, कहे पुलस्त ऋषि का दीपक, मतलब पुलस्त ऋषि के खानदान का लड़का हुआ, अपने मुहे से अपन बड़कई मत करा, नहीं अच्छा ना लगत है, शोभा ना देत है, लेकिन हमारे एक ठे बात सुन ला, तोहार बाह का पूजा न कर, ब्राह्मण कलश काहे ना करबू, तोहके पूजा करना पड़ी, कह ठीक है तब पूजा करब, हमारे एगो शर्त है, कला का शर्त है बतावा, तब बतौलिन का बतौलिन मास्टर, तर्ज लगत है। बड़ा बढ़िया तर्ज लग गल, कौनो मेहरारू अपने सुहाग रात वाले दिन, कैली नहीं कहलीन, अब उनकर जब जौने समय उनकर दुल्हा आए, तो अपने दुल्हा के देख के बड़ा मुस्काएन, अब मुस्काए के कहें कि सुना है जौन घूंघट उठावत आड़ा, ऐसे काम ना चली, का कह
ऐसे ना हम गूंगऊ गार ऐसे ना हम गूंगऊ गार कहनवा मनाए राजा जी झुमका ले अब झुलनिया ले हम बजनिया ले हम ये राजा जी। लेकिन मंदोदरी कहा था का कहलास अरे ऐसे ना हम बाहक पूजब कहनवा मनाए राजा जी कैसे करबू कहे सुना सिंधु सागर में एक कमल का फूल हो उ कमल का फूल खिलेला और सागर का लहर से सुबह खिली सागर के लहर से उ किनारे आवेला वही फूलवा के जाके लिया दा तब तुहार बाह का पूजा करब। रावण एकदम घमंड में चूर मंगलू तो यही एक थे कमल का फूल हमें का पता कि तू फूल बदे फूलल बाड़ू कहलन का तो हरे समान कोई ना जग में बलवनावा खिलल सुमनवा सुमनवा लादाय राजा जी। कहे ऐसे पूजा ना करब कहे कैसे करबू कहे समुद्र में वही कमल का फूल है वही के तोड़ के लिए बा तब ओके अंगने में रखब तब तोहरे बाह का पूजा करब नहीं तो ना करब। रावण कलश की सर्वा बड़े बड़े बीरन का छक्का छोड़ा देली पानी पानी हो गई लन हमरे आगे आई मंगलिन तो यही एक थे निपुर्रा बार निपुर्रा कमल का फूला चाहा था ना अब जाती बस पांच मिनट में लेके आई यू गया और यू आया कहा ठीक है जा ऐलन जौने समय समुद्र के किनारे जब समुद्र के किनारे पे आल हुआ कमल का फूल खिलल है जब देखले हुआ तब तर्ज लगल बड़ी प्यारी धुन है भोजपुरी के कौनो मेहरारू अपने पति के सामने बैठल है दुल्हावा हमारे नियर रहल एकदम रंगीन मिजाज के दुलैया से कहलस का लेबू घड़ी चाही कह नाही कह गाड़ी चाही कह नाही कह गोलप्पा खैबू कह नाही कह का तोह दे दही मन करत है करेजवा निकाल के यह तोरे मुहवा में उड़ दे
दुलैया कलश इतना कुछ ना चाहत, हमारे के बात सुना का कलश। अरे झुमका झुलनिया किनारे तहाड़ मार रहा है, तहास चिल्ला रहा है। कमल का फूल जब देखलस तब जाए के ओके पकड़ल चलस फुलावा के, तब होत का हा? कमल के फूल के जाए के ओके पकड़ल चलस, और जे वही हाथ में फूल आवे वाला बा,
तबले समुद्र का झटका लगल तनी से दूरे हो गई लन फुलवा लामे हो गया वो कलन की अरे हई देखा बड़े बड़े बीरन का छक्का छोड़ौली हम हई समुंदर महाराज कल अच्छा एक बार और कोशिश करी और जब अगला दाई जब गैलन कोशिश करे के लिए वह फूल जब पकड़ायल हा झटका लगल वही फूल के छोड़लन नहीं झटका लगल तभी फूल के ना छोड़लन और फूल के पकड़ले 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 चली अलन समुद्र के रास्ते क्षीर सागर में और जब क्षीर सागर में आयल हुआ तो फूल विष्णु जी के नाभि से निकलल बा देखलन विष्णु जी के सामने जाए के खड़ा भइलन कलन किया लक्ष्मी जी कहलिन की भैया चिल्ला मत भगवान आराम करत हुआ निद्रा में हुआ परेशान मत करा बाद में अया कलश की सुना उनसे हम भेंट करा हाल चाल लेव ना आयल हई हई फूल हमके चाहत है यही बदे आयल हई ये फूल देता लेके जाई कहे एकर मालिक हम ना हई एकर मालिक हमार स्वामी हुवन कहे इनके जगावा जौने समय चिल्लाए शुरू कैलन तो भगवान का निद्रा टूटल हौ सामने देखलन रावण के मुस्कुराते हुए पूछलन की बोलो वत्स क्या चाहिए कल कुछ चाहिए ना हमारे लगे सब भरल हो बस यह कमल का फूल चाहत हो मेहरारू हमार को आईल यह फूल के लेके जाई और अपने सौर्य अपने वीरता का परिचय देते हुए अपनी बाहों को पुजवाऊंगा अपने पत्नी से। भगवान कलन ही फूल ना मिली कलन की सुना देबा तू एके हम ले भी हमार जिद है तर्ज लगत है तर्ज बड़ा बढ़िया है कौनो मेहरारू बड़ा गरम हो गई लह गरम हो गई अरे बड़ा लगल पसीना हचर हचर फेंकर अपने पति से कलस अपने दमिया से कलस की सुना लाइन बत्ती हो ना लाइन बत्ती ना यही जैसे वही थोड़ी देर पहलवा कौशल्या कौशल जी एकदम गरमाए गलिन मार भक भक पसीना फेकलिन कलिन की केहू मिलल ना केहू मिलल ना देखा अगर ढेर अगर ऐसा दिक्कत हो तो गुड्डू भैया खलिए हो मेहरारू कहत है गर्जना कर दे
समुद्र में रहत हुआ समुद्र देवता आए के हमार गोड़ धोए लगी हूँ। का कहलन हम बाहुबली कोई नहीं हमसे बरियार के हुई योद्धा हो नही। अगर मंगले पे ना देबा तो लड़ के लेब, लेकिन के लेब ई चाही। भगवान मंद मंद मुस्किएलन कलन की सुना, लड़ाई के लिए तैयार मत होवा, ई कमल का फूल तो है चाहत हो ना, लड़ लिया, लेकिन लड़ाई में तो से अभी टाइम है बाबा, अब ही समय है लड़ाई में। त्रेता युग में हम रामावतारी में आई और वही समय लड़ाई हुई, देख लेवल जाई के बाहुबली हो के ज्यादा वीर हो। मुस्कुरात के भगवान कहलन, रावण कलश की चला, इतना बात है त्रेता में ना, त्रेता में तो हाँ देख ले। आयल धीरे धीरे समय बीतल, तब यहाँ पर टेरी में लिखल गई, अरे तऊ हो त्रेता में हम पूजाइब बहिया, धरती धवल धुरी पे तीनों लोक विजेता, त्रेता में हम पुजाई बहिया। ये गुड्डू भैया तनी से मन का हरकत है, कभी कभी रंगीन होला तो हर वहर भी चल जाला, तू उसे घबराया मत। ए भैया, कुछ दिन बाद आया जब त्रेता विष्णु का अवतार हुआ, अवनी अंबर मंगल गूजे दशरथ घर करतार हुआ। कुछ दिन के बाद जब त्रेता आयल हा, तो राजा दशरथ जी के घर पे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अवतरण होता है। बड़ी खुशी है, नगर में बहुत खुशी मचल बा। अवनी अंबर मंगल गूजे इतनी खुशी बा। अहिल्या तारन ताड़ुका मारन बाबा, अरे अहिल्या तारन ताड़ुका मारन, संतों पे उपकार किए, धनुष तोड़ सीता को ब्याहे, जनता का हल्का भार किए। अवतरण जब भयल हो, शिक्षा दीक्षा के साथ साथ संतन के ऊपर भी उपकार करें, और अहिल्या बहुत बड़ी भक्त थी भगवान की, गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की बन चुकी थी, और अहिल्या का तारन तार किए
ताड़ुका का वध किए, संतों पर उपकार करते हुए धनुष यज्ञ जनकपुरी में भयल और धनुष यज्ञ के धनुष के तोड़ करके सीता जी से विवाह कैलन। तो राज अवध भोग न पाए, अरे राज अवध भोग न पाए, जंगल का राज जब पाए है, सीता लघु भ्राता के साथे पंचवटी में आए हैं। यहर राजा दशरथ जी ऐलान करवा देलन, कल सुबह श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होई, अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी बनाए जाएंगे। इबतिया सबके निक लगल वही नगर में, एक जाने के ना निक लगल। के भरत की माता के कई के वचनबद्ध करके दशरथ जी से वर मंगलिन और राम के 14 वर्ष का वनवास मांग लेलिन। वचनबद्ध रहलन, भगवान माई के आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या से निकल लिए अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ में। और जब पंचवटी में आए के रहे लगलन और वहीं पर तमाम तमाम घटना भई। लंका से सुपनखा आई, नाक कटायल और नाक कटाए के बदला लेवे के लिए खरदूषण आयल, तो खरदूषण का बद भी हो गया। खरदूषण का सुना बधन तो कंचन मृग बनाया है, चाल समझना सकी जानकी, छल से सीता को चुराया है। खरदूषण का बधन भयल, रावण के पता चलल, तमाम तमाम घटना घटत चल गल। और वही समय मामा मारिच सोने का हिरण बन करके सीता जी के कुटिया के अगल बगल टहरत रहलन। सीता जी समझना पौलिन वही सोने के हिरण के मांग लेलिन। भगवान गईलन लक्ष्मण जी के देखा के कि तू भाभी के देखिया, रक्षा करिया, हम हिरण के लेके आवत ही। और हिरण के मारे के लिए गईलन और हिरण भी मरायल। मामा मारिच माया भी था, आवाज बदल करके लक्ष्मण जी का भी आवाहन कर दिया। लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा बना करके चले जाते हैं और सीता जी को वहां से रावण छल से साधु का भेष बना करके छल से लेकर के चला जाता है लंका में। और जोने समय हर राम और लक्ष्मण जी अलन कुटिया में, सीता जी के आवाज दे थुवन, श्री रामचंद्र जी चिल्ला थुवन सीते सीते, लक्ष्मण जी चिल्ला थुवन माते माते, लेकिन कोई आवाज ना आवत है। जंगल झाड़ पहाड़ पेड़ पत्ता भालू बंदर सबसे पूछत हुन, लेकिन कोई बताए ना पावत है, खोजत हुआ ना खुलाए के। तब आए हाय हाय सीता खोजे राम मैया कुलाए चले हो, सीता खोजे राम मैया कुलाए चले हो, सीता खोजे राम मैया कुलाए चले हो, लक्ष्मण के साथे लिया चले हो, सीता खोजे राम मैया कुलाए चले हो। जंगल में एकाएक जटायु गिद्ध जटायु से मुलाकात भयल। गिद्ध जटायु बतौलन सारी बात के, बचावल चली लेकिन रावण के प्रहार के हम रोक ना पौली। और भगवान क्षमा चाहत है, माता के छोड़ा ना पौली, लंका ले गयल रावण। भगवान बड़ा जुक्ति लगावत हुए तब सुग्रीव से भइल जबकि मिलनवा,
सुग्रीव से भइल जब की मिलनवा हनुमान लंका के कैले दहनवा हो कैले दहनवा। अरे सीता खबरिया लिया चले हो, सीता खबरिया लिया चले हो, लक्ष्मण के साथे लिया चले हो, सीता खबरिया भैया। जटायु बताया लंका में है, धीरे 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 सुग्रीव से मित्रता बढ़ल, सुग्रीव जी मदद कैलन, हनुमान जी समुद्र के लांग करके लंका में गैलन और लंका में जाकर के सीता माता जी का पता लगौलन, लंका दहन भी भयल। खबर लगा करके हनुमान जी आए के सीता जी का खबर भगवान श्री रामचंद्र जी के देहलन कि माई माता सीता जी लंका के अशोक वाटिका में बैठल है। बाबा प्रभु हमने तो अपने आंखों से देखा, वो दिन रात रोती रही। बाबा भगवान कहलन और कहलन कि प्रभु हमने तो माता से बात भी किया, मैं बोला कि माता आप कहे तो मैं अभी आपको अपने पीठ पर बैठा कर उड़ा कर ले चलूं, लेकिन माता जी ने साफ मना कर दिया कि मेरे प्रभु आएंगे और मुझे छुड़ाएंगे और इस अत्याचारी अहंकारी का सर्वनाश करेंगे। श्री रामचंद्र जी समुद्र के ऊपर पुल बना करके सारी बानरी सेना सहित लंका में आए हैं और युद्ध का सफर शुरू हो जाता है। रावण श्री राम का युद्ध जिस समय लग जाता है, मंदोदर बार बार समझाती है, सब समझौले बा विभीषण समझौलन, मंदोदर समझौलस, सब समझा भल है कि भगवान से लड़ाई मत लाइए, स्वयं साक्षात भगवान विष्णु है, इनसे आप पार नहीं पाएंगे, सीता माता जी को आप वापिस कर दीजिए, लौटा दीजिए। लेकिन रावण किसी की बात को नहीं माना और जब नहीं माना तब मंदोदरी कहलास की पतिदेव, सिर्फ इस सीता की वजह से रावण का पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। साक्षात देवी हैं, सम्मान के साथ ले जा करके श्री रामचंद्र जी को सौंप करके उनके चरण में गिर करके क्षमा मांग लीजिए, दयालु हैं, क्षमा कर देंगे आपको। लेकिन रावण साफ मना कर दिया। रामचंद्र जी के तरफ से अंगद जी राम दूत बन करके गैलन लंका में रावण के समझावे के लिए। तब अरे अंगद राम दूत बन करके, अरे हार गए समझ आई हो, अरे जब की माना बात नहीं तो अरे तिहल पाव जमाई हो। ए भैया अंगद जी गैलन समझावे के लिए, लेकिन उन्हू का बात ना मनलन, बात में बात बढ़ गई। वैजय अंगद जी अपन पांव रख देलन, कलन की अरे रावण बहुत बड़े योद्धा बनते हो, तुम्हारा पुत्र इंद्रजीत जो इंद्र के ऊपर भी जीत किया है, इंद्र को परास्त किया है, ये भी है कुंभकर्ण है, आपके दरबार में तमाम वीर बैठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं आपको, पांव मैं जमा दिया हूं, अगर कोई भी मेरे पांव को हिला दिया
टस मस कर दिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यहां से चला जाऊंगा। और टेलीविजन पे आप लोग देखले हुआ, अंगद कहलन एक बात की मैं और गारंटी लेता हूं। अंगद कहत हुन कि एक बात का और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, भगवान भी यहां से अपनी अपनी सारी सेना लेकर के अयोध्या को चले जाएंगे। उनके भरोसा रहल अपने भगवान पे कि हम भगवान के नाम से अब पैर जमा देले हैं तो कोई हिला ना सकी। बड़े बड़े वीर योद्धा अलन हिलावे के लिए, लेकिन हिला ना पौलन। और तब तक रावण उठल, जब रावण उठल हो तब रावण जब चलल उठावे तो अंगद खुदे हट गई। कलन गिरे के हत जाए के भगवान का गोड़ में गिरा, भगवान का गोड़ धरा, हमारे गोड़ में तो कुछो ना मिली। समझा बुझा के थक के चली अलन और भगवान से आके कलन की प्रभु बिना लड़ाई के ना मिली। लड़ाई होए लगल रावण के खानदान के एक से एक दिया बुताए गई, भाई मरा गई, बेटवा मरा गयल, सब मरा गयल। आज लड़ाई के सामने आमने सामने खड़ा हुआ राम और रावण। लड़ाई होता कैसे होता, अरे लगली लड़ाई राजा बा, अरे लंका राजा धनी जितना बाण वार करें रावण के तरफ एक को बाण होके लगवे ना करे, पास में जाए लेकिन घूम के फिर तरकस में चल जाए। भगवान एकदम परेशान हुए कि साला ई का अयहर से रावण जब सनसन सनसन बाण मारे, भगवान का कुल वार पे वार काट चल जात बा। भगवान कहला नी कैसे मराई, बड़ा परेशान हुअन। और तब तक यहर त्रिजटा सीता जी के पास में अशोक वाटिका में बैठल है कलश की बिटिया। सीता जी त्रिजटा के प्यार से माता का हैं और त्रिजटा सीता माई के बेटी का उपाधि दिले रहें। त्रिजटा कलिन की बिटिया लगत है ई पपिया ना मराई कारी,
सब कर मऊत आवत बा, सब मरत जियत बा, लेकिन ई पपिया लगत है ना मराई। सीता जी मुस्कुरा करके सीता जी बोली कि माता जानत हूँ उनके ऊपरा काहे बाण का असर ना होत। कलिन काहे? कह कि हमारे शक्ति हो, हमार शक्ति दुर्गा का आवाहन किया है रथ पे, साक्षात हमारी शक्ति दुर्गा विराजमान है और साफ दिल से दुर्गा का मूरत ओकरे दिल में है। जब तक मूरत के ना हटाई है तब तक रावण का बाल भी बाका ना हो सकत। कानो कान जो ने समय खबर लगल, धीरे 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 ही पता चलल जब बात हनुमान जी के, अरे बाप रे बाप, तमतमाय के खड़ा हो गईलन, तमतमाय के खड़ा हो गईलन। कहलन की सुना, नदान रहली, छोटा रहली, भूख लगल तो सूरज के लीले में तो देरिये ना भाई, आई उर्गा दुर्गा को उन्हें खेत के होई बिहाने राम रावण का लड़ाई अब बंद। अब पहले दुर्गा या हनुमान से फरियाई, सवेरे होता है वो न लील जाब। मचल एकदम हाहाकार तीनों लोक में कि हनुमान जी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं हनुमान जी। और हनुमान जी अपने स्वामी भक्ति में लीन हुए कि हमरे पर प्रभु के कोई भी दिक्कत ना हो, यही वजह से उनके मुंह से ई वाक्य निकलत है कि सुबह हुई तो दुर्गा के लील जा। तब ऐसा ना खबर जब पवलन बजरंगी, अरे हो तब सवेरे करबे दुर्गा का यहाँ, अरे बेदावा बतावले देवा लोग अंजनी से, दोनों शक्ति आपस में कैली तकरार, आधी रात अब माई पहुंची लंका से बार बार। हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि सुबह राम रावण का लड़ाई बंद और हनुमान और दुर्गा का लड़ाई होगा। और हनुमान जी कह रहे हैं कि सूरज को मुंह में लीले में देरी ना भइल तो दुर्गा के कवन देरी लगी, गप से इनके लील जाप। और लड़ाई होई, भगवान का विजय होई और रावण मारल जाई। देव लोग जा करके अंजनी माता से बतौलन कि केहू से मनी है ना तोहके चला के होई। अंजनी माई के जौने समय बात पता लगल, हड़बड़ हड़बड़ एलिन लंका में। रात का समय हो जब पहुंचलिन लंका में, हनुमान जी जब देखलन, हनुमान जी पहरा पे बैठल रहलन, रात भर जागे भगवान का अपने सुरक्षा करें। देखलन माई के तक नतमस्तक हो गईलन, माते आप और इतनी रात को? माई कलिन की बतिया ऐसन है, कहे कि अरे के करे इतना हिम्मत हो गयल बाबा कि हमरे माई के तकलीफ दे देलस इतनी रात के, हमार माई लंका में आ गईलिन। कहे बेटवा वो तकलीफ तो ही देले हुआ। कह हम तुरंत पैर पकड़ लेलन कि माँ अबोध बालक हूँ, तेरा बेटा हूँ, नादान हूँ, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करो। माई कहलिन कि जोने दुर्गा के तू लीले के कहत हुआ, हम जैसे तोहार माई है तो उहो तोहार माइये है, शक्ति का रूप है सीता माई का, शक्ति का रूप दुर्गा जी है। हनुमान जी कहलन माई हमार आंख खोल देलू, ये तो बड़ा अनर्थ होवे जात रहल हमसे। माई कहलिन कि काम ऐसन करा कि उनसे लड़े के न हो, तोहरे खुदे पास आ जाए। कह जब वो हमारे पास आ जी है तब फिर लड़ाई बंद। कह हाँ लेकिन करे के का हुई? तब माई कहत है अरे माई समझावे करा दुर्गा का पूजनिया, अरे माई समझावे करा दुर्गा का पूजनिया,
ए भैया माई कहलिन 9 दिन, दूसर के हुना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 9 दिन तक अगर दुर्गा माई के कमल फूल चढ़ा करके पूजा करिहन तो माई भगवती प्रसन्न हो जाइहन और राम जी का जीत हो जाइ। भगवान 9 दिन तक दुर्गा माई का पूजा पाठ करे शुरू कैलन, कमल का फूल 10 ठे रोज चढ़ावे और माई का पूजा पाठ करें। तब कहना अम्बा कैसे, कैसे? फुलवा राम जी चढ़ाए वही घरी, अरण में विजयी पताका फहराए तब हरी। वही फूल डेली माई के चरण में, कमल का फूल जो समुद्र से रहे वही फूल के माई के चरण में अर्पित करें। धीरे धीरे 8 दिन बीत गयल तो 9वें दिन भयल का, अरे 9वें दिन राम का परीक्षा, अरे लेवे लगली माई, अरे कमल फूलावा लाली आंचल में छिपाई, कमल फूलावा लाली आंचल में छिपाई। अरे कमल नैन लोग कहला आज चढ़ाइबे जबरी। ए भैया 8 दिन तक पूजा पाठ खूब बढ़िया से कैलन, 9वें दिन एक ठे फूल माई अपने आंचल में छुपा लेलिन दुर्गा माई परीक्षा लेवे के लिए कि देखी का करेलन। पूजा के ऐन वक्त एक फूल गायब, भगवान परेशान हो जाते हैं कि अब का करी हम। एकाएक याद आया कि लोग हमके कहलन कि कमल नयन, हमार आंख बिल्कुल कमल के समान है, तो काहे न अपन अखिये हम चढ़ाए दही कमल नयन, लोग हमें कहलन। और जिस समय निकाल करके तरकस से बाण आंख के पास लगाते हैं आंख को निकाल के चढ़ाने के लिए, तब तक साक्षात माता भवानी दुर्गा जी प्रकट हो जाती हैं और बोलती हैं, रुको रुक जाओ राम, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं। माई जब प्रसन्न भइलिन तब अरे नवरात्र में राम कैले, नवरात्र में राम कैले, अरे 9 दिन पूजा नवा, अरे 10वें दिन जय दिन पूजा कैले रहलन 9 दिन, वही 9 दिन रामचंद्र जी कमल के फूल से दुर्गा जी का पूजा कैलन और आज पूरे हिंदुस्तान में वही 9 दिन दुर्गा जी का पूजा लोग करेलन। चैत के नवरात्र में कोई भी फूल
लोग चढ़ावलन माई खुश रहेलिन, लेकिन कुआर के नवरात्र में कमल फूल का बहुत मान होता है। हर चौखट पे माई के चरण में इकट्ठ कमल का फूल रही, लेकिन रही। दसवें दिन रावण के कैले बधनवा। दसवें दिन रावण के जब माई खुश भइलिन, तब रावण के रावण का बधन किया गया। वही विष्णु भगवान जो क्षीर सागर में रावण से कहले रहलन कि त्रेता युग में हमार तोहार लड़ाई होई। रावण धराशाही है, भगवान मन तक के बाद बतियावत होन कलन का हो। बड़ा बाह फुलावत रला क्षीर सागर में, कहला फुलवा चाही फुलवा चाही। ऐसे ले बा उहे हम है। रण जितौली दुर्गा ओढ़ावे ली अचरी, रण में विजयी पताका फहराए तब हरी। विजय हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का, प्रकांड विद्वान महाज्ञानी महा पंडित ब्राह्मण और धुरंधर योद्धा रावण का वध हुआ। रावण कलश के भगवान तो हम पहचानत रहली, लेकिन यही बहाने हम भी अपने खानदान का तारन तार कर लेली। रावण भी बड़ा तेज दिमाग कर रहा। कहानी समाप्त होती है। गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्रिका चमनवा खाली, राज नारायण कवि नरेश राम देव बने थे माली। अरे त्रेता में हम पूजाइब बहिया परमा।